आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। किसान आंदोलन के समर्थन में भगत सिंह चौक मुरी में भूख हड़ताल। किसान आंदोलन के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य किसान सभा के तत्वाधान में किसान आंदोलन के समर्थन में शहीद भगत सिंह चौक मुरी सिल्ली में भूख हड़ताल की गई एवं किसान आंदोलन के 30 से ज्यादा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। किसान विरोधी कानून वापस लो, 10 रुपए 12 रुपए धान खरीदना नहीं चलेगा। किसान आंदोलन पर दमन नहीं चलेगा, किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। आनंदकारी किसान, घबराओ नहीं, झारखंड के किसान आपके साथ है, आदि नारे लग रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष सह अखिल भारतीय किसान काउंसिल सदस्य सुफल महतो ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में भगत सिंह चौक मुरी का भूख हड़ताल किसानों को आंदोलित करेगा। किसान विरोधी कानून का समर्थन करने वाले सांसदों, विधायकों एवं सरकार को किसानों के विरोध का खामियाजा भुगतना होगा। आरपी भारत के लिए दिनेश हाजाम की रिपोर्ट। भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ, बिजली बिल के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और उस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो दमनात्मक कदम उठाया मोदी सरकार ने, अश्रु गैस चलाया, रबड़ की गोली चलाया, सारे दमन के हथकंडे अपनाए गए और अभी किसानों के आंदोलन में भ्रम पैदा करने के लिए तरह तरह की बातें प्रतिदिन वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को आंदोलन का हक है, इस कानून को पेंडिंग करो, समाधान का रास्ता निकालो, लेकिन उस दिशा में न तो नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री आगे बढ़ रहा है और उनके उस बयान से किसान आंदोलन और आगे बढ़ रहा है। झारखंड से भी हम लोग दिल्ली किसान आंदोलन में जाएंगे, आंदोलनकारी के मदद के लिए हर गांव से हम लोग कोष संग्रह करके भेजने का काम करेंगे और यहाँ भगत सिंह चौक में आज जो हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज ये खुली चुनौती देते हैं हम वो भाजपा वाले लोगों से, आज जो आत्मनिर्भर किसान बिल की बात करते हैं, कहीं खड़ा होकर तो देखो आज किस तरह किसानों का 10 रुपया 12 रुपया धान खरीदा जा रहा है। 4.5 लाख किसानों की आत्महत्या विश्व रिकॉर्ड है भारत में, इतना किसान कहीं आत्महत्या नहीं किया। उसका कारण है लगातार जो सरकार वही किसानों के हित के खिलाफ कदम उठाया। मोदी सरकार ने 2014 में किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून लाया, ऐतिहासिक विरोध हुआ संसद और बाहर में, उसे वापस लेना पड़ा। झारखंड में CNT SPT को बदलने की नापाक कोशिश हुई सिर्फ कारपोरेट के इरादे को पूरा करने के लिए, आंदोलन के कारणों से पीछे हटना पड़ा। और ये कृषि कानून भी, ये काला कानून भी देश के किसान आंदोलन के सामने इसको परास्त होना होगा, वापस लेना होगा। किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, इस नारे के साथ आज जो शहीद हुए 30 से ज्यादा साथी, उसको हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। सुफल महतो, उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य किसान सभा।